हाइफ़न देखिए ये भरता किस चीज़ का बना हुआ, अगर एक बार इसको शुगर का पेशेंट खा लेगा तो उसका शुगर जो है कि डाउन होता चला जाएगा, कभी भी उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। इसको बनाने के लिए तुअर की दाल लीजिए, उसको अच्छी तरह से धुल करके उसमें हल्दी नमक डालिए और कुकर में रख दीजिए। फिर करेला लीजिए, उसको चीर के देख लीजिए उसमें कीड़े तो नहीं है, उसको धुल करके दाल में उसको डाल दीजिए। खड़ा ही आपको डालना है और एक टमाटर डाल करके एक दो सीटी लगा दीजिए। देखिए करेला आपका पक के तैयार हो चुका है। अब करेला आप निकाल लीजिए, आप चाहें तो दाल दोबारा पका सकती हैं और नहीं तो उसी में थोड़ा सा दाल आप मैश कर लीजिए। दाल आपका हो गया है, करेला देखिए निकल गया। अब इसमें से जो दाल है उसको अच्छी तरह से हटा लीजिए। दाल हटाने के बाद करेला को हाथ से मल दीजिए। अगर आप बीज पसंद करती हैं तो बीज रहने दीजिए, नहीं तो बीज निकाल दीजिए। मैं तो बीज सही थी इसको बना रही हूँ, क्योंकि करेले का बीज डायबिटीज में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। अब इसको देखिए अच्छी तरह से मसल लीजिए। आप चाहें तो इसको पीस भी सकती हैं मिक्सी में, लेकिन ये मसल करके ही अच्छा लगता है खाने में। अब इसमें कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और दो तीन हरी मिर्च डाल दीजिए, एक बड़ा प्याज कटा हुआ डाल दीजिए और डाल करके इसको मस्टर्ड ऑयल इसमें डालना है। मस्टर्ड ऑयल डालिए, नमक डालिए और डाल करके इसको अच्छी तरह से भरते को मिला लीजिए। देखिए भरता मिल जाएगा और ये तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसमें थोड़ी सी इमली का पल्प डाल दीजिए, अगर इमली नहीं खाती हैं तो नींबू आप निचोड़ सकती हैं। नींबू डाल करके इसको अच्छी तरह से मल लीजिए, मल करके रख दीजिए। रोटी के साथ, चावल के साथ, दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी चीज़ के भी साथ आप खा सकती हैं। अब इसमें छौंक लगाने के लिए देखिए मस्टर्ड डाल डालिए, एक हरी मिर्च डालिए, लहसुन डालिए और थोड़ा सा कटा प्याज जीरा डाल करके इसको इसमें बघार लगा दीजिए। देखिए कितना अच्छा टेस्टी ये भरता बन करके तैयार हो गया। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए इसे दाल चावल रोटी आलू और बैंगन का कलौंजी और करेले का भरता, कितना टेस्टी खाना है।